पिछले 25 साल से मुंबई महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पिछले 2.5 साल से जो महाराष्ट्र को अनार्की की तरफ, अराजकता की तरफ जो लेकर गए हैं, उनकी पोल खोल करने के लिए ये मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे मुंबई में 227 वार्डों में ये पोल खोल अभियान किया जा रहा है। और उसी अभियान का एक भाग वार्ड नंबर 47 का पोल खोल अभियान आज था, जहां पर वार्ड नंबर 47 की जनता के सामने हमने मुंबई महानगर पालिका के सत्ताधारी और महावसूली आघाड़ी सरकार की पोल खोल की है। सर, जिस प्रकार से सेना कह रही है कि जैसे इलेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी चाल चल रही है पोल खोल की, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी चाल चलने का है, इसमें कोई, ये मैंने अपने भाषण में भी कहा, वक्तव्य में भी कहा, कोई एक पार्टी की सत्ता स्थापन करने के लिए ये पोल खोल अभियान नहीं है, या किसी एक पार्टी का महापौर करने के लिए पोल खोल अभियान नहीं है। ये तो पिछले 25 साल से जिस प्रकार से मुंबईकर को उल्लू बनाया गया है, मुंबई का हर एक कोना कोपरा बेचा गया है, मराठी आदमी को मुंबई से किस प्रकार से बाहर निकाला गया है और मुंबईकर के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, उस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने इस पोल खोल अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन अभी पिछले 20 दिनों में मुंबईकर जनता ने इस पोल खोल अभियान को अपने हाथ में लिया है और सामने बैठी हुई भीड़ को देखकर आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि सही मायने में मुंबईकर जनता ने इस पोल खोल अभियान को अपने हाथ में लिया है। देखिए, पोल खोल का क्या रिस्पांस मिल रहा है या प्रतिक्रिया क्या है, ये हमने कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने है। जब से मुंबई शहर में पोल खोल अभियान हमने प्रारंभ किया है, हर जगह पर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, और सभाएं नहीं हो रही है तो हमारे जो मित्र है वे सारे के सारे ये पोल खोल की सभा न हो इसके लिए मानो जैसे कूद पड़े हो। कोई तो स्टेज के सामने आकर खड़ा होता है, कोई स्टेज ही बनाने नहीं देता है, तो कभी हमारे इस एलईडी रथ पर पथराव किया जाता है। मुझे लगता है इस पोल खोल अभियान को जिस सफलता मिल रही है, सारी जनता ने इसे सर पर उठा लिया है, इसी कारण हमारे मित्र पक्ष की ओर से ये सारे व्यवधान डाले जा रहे हैं। बड़ी सफलता है, यानी जहाँ जहाँ पर मुंबई शहर में ये अभियान चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में ये भ्रष्टाचार की सारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक बात मैं शिवसेना की बड़ी मान लेता हूँ, जिस हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, शायद आज के शिवसेना के नेता इस हिंदुत्व को समझने में कम पड़ रहे हैं। हिंदुत्व ये किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है, इस हिंदुस्तान ही अकेला देश था जिसने कभी दुनिया पर आक्रमण नहीं किया, ये हिंदू सब समा लेते हैं। और हम भी यही बात कहते हैं कि वो बाबरी ढांचा हमने नहीं गिराया तो सारे हिंदू समाज ने गिराया, और यह बात आज के शिवसेना के नेता समझ नहीं पा रहे। हम हिंदुत्ववादी है बताने की कोशिश कर रहे, भाई हमारा जन्म ही हिंदुत्ववादी के लिए हुआ था, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताना पड़ रहा है, यह आपका दुर्भाग्य, आपको शुभकामनाएं देते हैं। द्वारा मुंबई के सभी वार्डों में जो पिछले 33 सालों से ये शिवसेना शासित बीएमसी ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो मुंबईकरों के साथ में अन्याय किया है, उसका पोल खोल ये मुंबईकरों के सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण सभी वार्डों में जाकर कर रहे हैं। मैडम बिजी है लगता सवाल, पोस्टर इसी बात का उदाहरण है कि आदरणीय बाला साहेब जी के बाद जो उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना ये हिंदुत्व से जुड़ी हुई पार्टी है ये साबित करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। और अभी ये जग जाहिर हो गया है कि शिवसेना ये सोनिया सेना बन चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी सेक्युलर एक उन्होंने एक एक हिजाब जो सेक्युलर का पहना है ये लोगों के सामने उजागर हो चुका है। और अभी कहीं भी हिंदुत्व का एज भी उनके शिवसेना के अंदर कहीं कोई भी एंगल से नहीं दिखाई देता है, ये सभी युवाओं के सामने और मुंबईकरों के सामने साफ हो चुका है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका को लेकर हिंदुत्व का नाम ले रही शिवसेना सर? नहीं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनको पता है कि लोग अभी आपके भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं, आपके ये हिंदुत्व चिल्लाने से लोग परेशान हैं कि आप एक तरफ हिंदुत्व का चोला और दामन पकड़ के बैठे हो और दूसरी तरफ आप सेक्युलर बनते हुए
आप अलग अलग जो 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 हिंदुत्व के विरोध में जो लोग जाते हैं उनका समर्थन करते हो, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुल चुकी है। तो अभी उनको आम जनता को साबित करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्व की पार्टी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जिसको लेकर आप हमेशा जनता के हित में आपने रोड पर आकर सड़कों पर आपने उसके लिए क्या पुलिस ने उस पे आप पे कार्रवाई की, लेकिन आप हमेशा ही जब ऐसा कोई मुद्दा होता है जनता के हित में आप सड़कों पर आ जाते हैं। उसी तरह नवनीत राणा जिस तरह से आज हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि 14 दिन नहीं वो 14 साल भी जेल में रहने को तैयार है, मतलब उन्होंने खुली चुनौती जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे को दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? उन्होंने नवनीत राणा जी ने बहुत बिल्कुल सही कहा है, उन पे अत्याचार किए गए, उनके साथ में अन्याय हुआ। अगर हनुमान चालीसा बोलने के लिए एक हिंदू को, एक सनातनी, एक धर्म के पालने वाले व्यक्ति को अगर जेल जाना पड़ रहा है तो वो व्यक्ति अमरण तक जेल जाने को तैयार है। ऐसा उन्होंने आज एक उदाहरण सभी के हिंदुओं के सामने रखा और मुझे गर्व होता है कि मैं भी एक हिंदू हूँ और कहीं ना कहीं नवनीत राणा जी उनके परिवार के साथ जो हिंदुत्व के साथ वो खड़े हैं, ऐसे हिंदुत्व के साथ, तो सच्चे हिंदुत्व के साथ में हम सभी देशवासी उनके साथ में खड़े हैं। और वो बार बार जेल जाने को तैयार है तो हम भी उनके साथ में, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल जाना पड़ रहा है तो हम सब भी तैयार है उनके साथ जेल जाने। नहीं, अभी हनुमान चालीसा तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा दिखाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का दामन छोड़ चुके हैं, तो वापस लोगों के मन में विश्वास दिलाने के लिए ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को अभी समझ में आ गया है कि आ रहा है चुनाव महानगर पालिका का, और पिछले 33 सालों से इन्होंने जो 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है वो लोगों के सामने पोल खोल के माध्यम से उजागर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको फिर से मलाई खाने के लिए सत्ता में वापस आना है तो हिंदुत्व का दामन उनको पकड़ना ही पड़ेगा, ये समझ में आ गया है, इसलिए वो अभी ऐसे पोस्टर आपको मुंबई भर में देखने मिल रहे हैं। हिंदू पहले पंटे होते, आम्ही हिंदू होतो, हिंदू होऊन काय होत नाही आहे, हिंदू का हिंदूची भूमिका आपण पार पाडायला पाहिजे। ते नुसतं ते म्हणतात की आम्ही भारतीय जनता पक्ष पोलखोलचा प्रोग्राम घेऊन आम्ही आता लोकांना गुमराह करतो, तर तसं चुकीची समज आहे। त्यांना जर हिंदू धर्माचं एवढं असेल तर त्या हिंदू धर्मासाठी काय करतात हे लोक, त्यांनी त्याचं हे देवउदाहरण द्यायला पाहिजे ना, स्पष्टीकरण द्यायला पाहिजे। आजपर्यंत आम्ही हिंदू लोकांसाठी काय केलं, नुसतं हिंदू म्हणून बॅनर लावून होत नाही ना, हिंदूसाठी काय केलं हे बघायला। आणि जसं आम्ही साहेबांनी सांगितलं आहे, बाकी लोकांनी सांगितलं आहे, आम्हाला पूर्णपणे आठवतं आहे की भारतीय जनता पक्ष सोडून कुठच्याही पक्षातली लोकं कोरोनामध्ये खाली उतरलेले नाहीत। सगळे लोकं RSSचं जेवण आम्ही वाटलं आहे, आम्ही स्वतःचं किट वाटले, आम्ही सॅनिटायझिंग 5 लाखाचं घेऊन आपल्या फंडातनं वाचलं, मास वाटले, सगळं काय होईल तेवढं दिलं आम्ही। सर एक लास्ट क्वेश्चन मॅम, ते का शिवसेना हिंदुत्व पार्टी आहे काय? नाही नाही, असं कसं होऊ शकतं, आम्ही मी मराठी आहे, मी पण हिंदू आहे, असं नाही आहे। आता ताई पांगे माझं रेकॉर्डिंग करतात, नाही नाही मी नाही त्याच्यामध्ये काय, मी आत्ता तुम्हाला ते स्पष्टीकरण दिलं आहे की नुसतं हिंदू म्हणून सांगून हिंदुत्व नाही आहे, हिंदूसाठी तुम्ही काय करताय। जसं आमच्या मॅडम त्याचा पाठीमागे भारतीय जनता पक्षाच्या आहेत, मागे तुमच्या आहे, इथे केवढं तरी प्रॉब्लेम आहे लोकांना। जसं 1+1 घरं लोकांनी बांधून ठेवले राजनपाड्यामध्ये माझ्या एरियामध्ये, त्यांच्यासाठी आजपर्यंत आम्ही पत्र दिलं, जेव्हा बाउंड्री लेन बदली झालेल्या होत्या त्या लोकांनी आम्हाला पत्र द्यायला सांगितलं की बाउंड्री लेन तुम्ही बदली करून द्या, काय पाहिजे ते सांगा, आम्ही ते दिल्या की त्याच्यातलं आम्ही सांगितलेलं की गार्डन आहे, अजून आमच्याकडे 12 गार्डन आहेत माझ्या एरियामध्ये 47 मध्ये, किंवा शाळा आहेत, शाळा तर तुम्हाला माहिती आहे की महापालिकेचं काहीच होत नाही, माझ्याकडे जे 4 वर्ष लिबर्टी गार्डन शाळा तोडून टाकली आजपर्यंत झालेली नाही। मग त्यांच्यासाठी घरासाठी काय करतात हे लोक, 1+1 खालच्या लोकांना देत आहेत आणि वरच्या देणार नाही, कायदा आणला आहे पण तो अजून कुठे याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट झालेला आहे, काहीच झालेलं नाही आहे। नुसतं हिंदू लोक सांगून, ह्या सगळ्या 80% राजनपाड्यामध्ये हिंदू लोक राहतात, त्यांच्यासाठी काय केलं आहे?